मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी गूंज रहा जय भीम का नारा। अशोका यूनिवर्सिटी में कास्ट सेंसस ने पकड़ा तूल। कैंपस में ब्राह्मणवाद वर्सेस अंबेडकरवाद। नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली से सटे सोनीपत से आई हैं। सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी में आजकल इसी तरह दिन रात प्रदर्शन चल रहा है। दलित, अल्पसंख्यक और वंचित जातियों से आने वाले छात्रों ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले हफ्ते भर से कैंपस में छात्र यूं ही डटे हुए हैं। कैंपस में एडमिन ब्लॉक के बाहर छात्रों ने अपना धरना लगा दिया। कास्ट सेंसस नाउ का बड़ा सा बैनर टांग दिया गया है। दिन रात छात्र यूं ही खुले आसमान के नीचे डटे हुए हैं। पढ़ाई के लिए लड़ाई जारी रहे इसलिए यहां छात्रों ने सावित्री फातिमा लाइब्रेरी भी बना दी है ताकि अपने हक अधिकारों के लिए लड़ते वक्त भी किताबों से दूरी न हो। बड़ी संख्या में छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वंचित तबकों से आने वाले छात्रों ने साझा तौर पर इस मुहिम को शुरू किया है जिसे कई छात्रों का समर्थन भी मिल रहा है। इस विरोध प्रदर्शन ने अशोका यूनिवर्सिटी की कथित प्रगतिशीलता की भी हवा निकाल दी है। यूं तो अशोका यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है लेकिन अकादमिक जगत में खुद को प्रगतिशील और सामाजिक न्याय के पैरोकार के तौर पर पेश करते हुए नहीं थकती। लेकिन जब इसी अशोका यूनिवर्सिटी के कैंपस में जय भीम के नारों के साथ सोशल जस्टिस मांगा जा रहा है तो एडमिन टालमटोल करता दिख रहा है। हालांकि छात्रों की मांग इतनी भी मुश्किल नहीं है कि उन्हें पूरा ना किया जा सके। छात्रों की पहली मांग है कि अशोका यूनिवर्सिटी में कर्मचारियों, स्टाफ, प्रशासन और छात्रों की जातिवार गणना होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि अशोका यूनिवर्सिटी में कितनी डाइवर्सिटी है। छात्रों की दूसरी मांग है कि अशोका यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल लेक्चर की शुरुआत की जाए और सोशल जस्टिस की थीम पर पैनल और स्पीकर को बुलाया जाए। स्पीकर, पैनलिस्ट और पेपर प्रेजेंट करने वाले वंचित तबके से होने चाहिए। वहीं छात्रों की तीसरी मांग है कि फीस पेमेंट पॉलिसी में बदलाव किया जाए। लेट फीस पेमेंट पर छात्रों के गूगल अकाउंट बंद नहीं होने चाहिए क्योंकि इससे उन्हें कोर्स की पढ़ाई करने में दिक्कत होती है और रोजाना उन पर 200 रुपए का जुर्माना भी नहीं लगना चाहिए। फीस भरने में देरी होने पर छात्रों को खाना तक नहीं मिलता जो पूरी तरह से गलत है, इसलिए इसे भी बंद होना चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर छात्र अशोका यूनिवर्सिटी के कैंपस में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि वो लगातार अपनी मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी एडमिन और वाइस चांसलर के सामने पेश हो चुके हैं लेकिन यूनिवर्सिटी ने उनकी मांग मानने से मना कर दिया। वहीं छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती तब तक वो यही आंदोलन करते रहेंगे। अशोका यूनिवर्सिटी में चल रहा यह आंदोलन इस बात का सबूत है कि कैसे शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है और इसी पूरी प्रक्रिया में वंचित तबके के छात्रों के हाथ से कलम छूटती जा रही है। एक तरफ सरकारी स्कूल और कॉलेजों को बर्बाद किया जा रहा है और दूसरी तरफ अशोका यूनिवर्सिटी जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट अपनी मनमानी करते हैं और अपने कैंपस में कास्ट डाइवर्सिटी तक लागू नहीं करते। अब देखना ये होगा कि क्या खुद को सोशल जस्टिस की डफली बजाने वाली अशोका यूनिवर्सिटी हकीकत में वंचित छात्रों के साथ न्याय करती है। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB00002 35।
बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।